हेलो स्टूडेंट, सीबीएसई बोर्ड ने क्लास 10 एंड 12 के प्राइवेट कैंडिडेट और रेगुलर छात्रों का जो है एडमिट कार्ड को रिलीज कर दिया है। 25 अगस्त से आपकी परीक्षाएं शुरू होने वाली है। परीक्षाएं शुरू होने के केवल 2 से 3 दिन समय जो है आपके पास केवल शेष रह गए हैं तैयारियां करने को लेकर। इसी बीच सीबीएसई बोर्ड ने रेगुलर छात्रों के साथ साथ प्राइवेट कैंडिडेट को लेकर भी एडमिट कार्ड को रिलीज कर दिया है। चाहे क्लास 10 के स्टूडेंट्स हो या क्लास 12 के स्टूडेंट्स हो, दोनों के एडमिट कार्ड जो है सीबीएसई बोर्ड की तरफ से जारी कर दिए गए हैं। सीबीएसई बोर्ड जो है कोविड में परीक्षाओं को करा रही है, यानी कि पहली बार होगा कि सीबीएसई बोर्ड जो है प्राइवेट कैंडिडेट और कंपार्टमेंट के छात्रों के साथ इतना बड़ा भेदभाव कर रही है। सीबीएसई बोर्ड ने एडमिट कार्ड को तो जारी कर दिए हैं, लेकिन काफी सारे इश्यूज जो है एडमिट कार्ड को लेकर भी आ रहे हैं। यानी काफी सारे छात्रों के जो है इस तरीके से एडमिट कार्ड आने के तुरंत बाद जो है इस तरीके से कमेंट्स निकल के सामने आ रहे हैं कि एडमिट कार्ड तो आ गया, लेकिन एग्जामिनेशन सेंटर इतना ज्यादा दूर दे दिया है। देश भर में एक तरफ कोविड की मार है, दूसरी तरफ सीबीएसई बोर्ड ने इनके एग्जामिनेशन सेंटर को इतना ज्यादा दूर दे दिया है, तो ऐसे में एग्जामिनेशन सेंटर में ये छात्र कैसे पहुंचेंगे। एडमिट कार्ड काफी सारे इश्यूज जो है छात्रों के निकल के सामने आए। काफी सारे छात्र जो है इस तरीके से एडमिट कार्ड को लेकर दावा कर रहे हैं कि उनका एडमिट कार्ड में जो है डेट ऑफ बर्थ नहीं है, तो किसी के एडमिट कार्ड में एग्जामिनेशन सेंटर ही नहीं दिया हुआ। काफी सारे इश्यूज जो है इस तरीके से निकल के सामने आ रहे हैं। एक तरफ एग्जामिनेशन सर पर है और दूसरी तरफ इतना दूर एग्जामिनेशन सेंटर को दे दिया गया है, तो छात्र करे तो करे क्या। यहाँ पे देख लीजिए, 250 किलोमीटर है तो किसी को 300 किलोमीटर, तो किसी को 100 किलोमीटर और किसी को जो है 35 से 40 किलोमीटर दूर दे दिया गया है एग्जामिनेशन सेंटर। सीबीएसई बोर्ड दावा कर रही थी कि एग्जामिनेशन सेंटर आपके स्कूल के नियर बाय में ही दिए जाएंगे, तो ये एग्जामिनेशन सेंटर जो है इसको लेकर भी छात्रों का काफी ज्यादा इशू निकल के सामने आ रहा है। सीबीएसई बोर्ड प्राइवेट कैंडिडेट की परीक्षाएं शुरू होने के केवल कुछ समय रह गए हैं और ऐसे में एग्जामिनेशन सेंटर को लेकर भी छात्र जो है खुलकर बाहर आ रहे हैं। यानी इस तरीके से एग्जामिनेशन सेंटर जो है काफी सारे छात्रों के इस तरीके से सिमिलर इशूज हैं। काफी सारे छात्रों को जो है एग्जामिनेशन सेंटर दूर दे दिया गया है, तो किसी को एग्जामिनेशन सेंटर में एग्जामिनेशन सेंटर ही नहीं दिए हैं, तो काफी सारे इशूज हैं। यानी कि छात्रों का जो है लगातार एग्जामिनेशन सेंटर को निकल के सामने आ रहे हैं। वहीं आपकी परीक्षाएं 25 अगस्त से शुरू हो जाएंगे, तो ऐसे में छात्र जो है डबल प्रेशर में आ चुके हैं। इसके बाद अब आपकी परीक्षाएं जो होगी पूरी कंप्लीटली ऑफलाइन होगी। आपने एडमिट कार्ड को देख लिया होगा, ट्रैवलिंग को लेकर जो है छात्रों को काफी ज्यादा प्रॉब्लम होने वाला है, जिनके एग्जामिनेशन सेंटर दूर दे दिए गए हैं। और वहीं दूसरी तरफ छात्रों की पढ़ाई भी है। एक तरफ सीबीएसई बोर्ड ने इनको टाइम कम दिया पढ़ाई करने को लेकर, और दूसरी तरफ जो है एग्जामिनेशन सेंटर इतना दूर दे दिया कि उनका ट्रैवलिंग में ही जो है आधा वक्त उनका जो है ट्रैवलिंग में ही लग जाएगा, तो ऐसे में काफी बड़ा इशू जो है। सीबीएसई बोर्ड को इन मैटर को सुनना चाहिए। देश भर के क्लास 10 एंड 12 के छात्र दोनों के पास जो है सिमिलर इश्यूज हैं। वहीं एग्जामिनेशन सेंटर के बाद जो है छात्रों को एडमिशंस को लेकर अभी से चिंता जताई जा रही है। देश भर में अलग अलग जगह मैंने प्रोटेस्ट की खबरें आपको बताई थी। देश भर में अलग अलग जगह जो है छात्र और पेरेंट्स जो है इसका खुलकर विरोध कर रहे हैं कि सीबीएसई बोर्ड परीक्षाओं को तो ले रही है, लेकिन एडमिशन की अश्योरिटी कौन देगा। सीबीएसई बोर्ड एडमिशन को लेकर अभी तक सीबीएसई बोर्ड ने कुछ भी नहीं कहा है कि एडमिशंस आपको कहाँ मिलेगा, एडमिशंस किस कॉलेज में मिलेगा, कब मिलेगा, रिजल्ट आपके 30 सितंबर को आएंगे तो अक्टूबर में आपको किस कॉलेज में एडमिशन मिलेगा या किस स्कूल में 10th के छात्रों को एडमिशन मिलेगा। तो काफ़ी सारे सवाल हैं इसको लेकर कि आपको पढ़ाई में आते हैं डाउट, तो सिंपली 5 सेकंड में डाउटनेट पे करो नो से आउट। सिंपली आपको जिस क्वेश्चन में डाउट है उसकी फोटो खींचो, क्वेश्चन को क्रॉप करो, तुरंत वीडियो सॉल्यूशन आपको मिलेगा डाउटनेट पे। चाहे वो क्वेश्चन आपका फिजिक्स का हो, केमिस्ट्री हो, मैथ बायोलॉजी हो, सीबीएसई बोर्ड, यूपी बोर्ड, महाराष्ट्र बोर्ड या देश भर की तमाम कोई सी भी स्टेट बोर्ड हो, या क्लास 6 से 12 तक का क्वेश्चन हो, आईटी, जेईई मेंस एंड एडवांस के क्वेश्चन हो, सभी का तुरंत वीडियो सॉल्यूशन मिलेगा आपको डॉटनेट ऐप पे। इसके साथ ही डॉटनेट पे चल रही है डेली लाइव क्लासेस, वो भी आपके अपने लैंग्वेज इंग्लिश एंड हिंदी में, जहां आपको पूरा कोर्सेज पढ़ाया जा रहा है। तो आप इस कोर्सेज का हिस्सा बनिए और आप भी डाउनलोड करिए डॉटनेट। लेकर सीबीएसई बोर्ड के जवाब का भी इंतजार है और सुप्रीम कोर्ट में भी इसको लेकर जो है एप्लीकेशन फाइल की गई है, तो उसको लेकर भी इंतजार है। लेकिन दूसरी तरफ जो है आपकी 25 अगस्त से परीक्षाएं भी शुरू हो जाएगी। तो आपने एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लिया है, एडमिट कार्ड को लेकर कोई इशू है तो नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट करके जरूर रिप्लाई दीजिएगा। और साथ ही साथ अगर आपका भी एग्जामिनेशन सेंटर इतना दूर दे दिया गया है तो नीचे एक बार कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। ताकि स्टूडियो में इतना ही बच्चों, सीबीएसई बोर्ड प्राइवेट कैंडिडेट कंपार्टमेंट को लेकर जो है हम लगातार अपडेट पे बने हुए हैं। चाहे क्लास 10 के स्टूडेंट्स हो या क्लास 12 के स्टूडेंट्स हो, हर एक अपडेट पे जो है हम लगातार बने रहते हैं। और साथ ही साथ मैंने आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है कई सारे जो है सैंपल पेपर मैंने आपको ऑलरेडी प्रोवाइड करा रखा है। समय काफी कम है, तो अगर आप वो वीडियोस को नहीं देख रहा है तो आपने वो जो उस वीडियो को देख लीजिएगा। तभी की शुरू में इतना ही। जय हिंद।